ऐसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं, देश संस्कृति कुछ नहीं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बोलिए जी। बोलिए। मैं पचोरा जलगांव जिला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, नागरी पत्रकार सतीश ब्राह्मण है। बोलिए सतीश जी। ये जो आईपीएल का हाइप है, हेलो। हाँ बोलिए आप। ये आईपीएल के इन बड़े बड़े लोगों में इतने अगर बड़ी बड़ी ये होती है पैसों की हेराफेरी। आप बोलते रहिए, ये कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। हम दोबारा इनका कॉल आता है तो ज़रूर लेंगे। जलगांव महाराष्ट्र से ये कॉल थी और कह रहे थे कि बड़े लोग केवल अपनी बातें देखते हैं, खेल नहीं देखते। ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर आप अपनी बातें कहना चाहते हैं। सुदर्शन टीवी ने तो जितनी बातें पिछले 3 साल में आईपीएल के बारे में कही, सारी साबित हुई है। अब हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि आप पैसे कमाने के लिए कितने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये सारा ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले चलते हैं वंदना के पास और देखते हैं कि अब तक की क्या स्थिति। वंदना जी। सुरेश जी, एसएमएस पोल की शुरुआत हो चुकी है और इस समय 78% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि हाँ आईपीएल पर बैन लगना चाहिए, जबकि 22% लोग अभी भी इसके विपक्ष। कार्यक्रम के शुरू में ही 78% लोग सीधा कह रहे, हालांकि कुछ लोग अभी भी क्यों आईपीएल के पक्ष में पता नहीं। कार्यक्रम के आगे देखते हैं कि लोगों का रुझान भी क्या रहता है। हमने पिछले दिनों में आईपीएल के बारे में जो जो बातें की वो सही साबित हुई है। अब हम आज आपको पूछ रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें सही है तो वो भी सही होगी जो आने वाले दिनों में होने की संभावना है। जी हाँ, देश संस्कृति समाज सभ्यता सबसे बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब और कितना होगा? क्या इसको रोकना ठीक नहीं रहेगा? क्या है आपका कहना, आप हमें बताइए। 78% लोगों ने अब तक कहा है कि आईपीएल बंद होना चाहिए। एसएमएस जा रही है, फोन भी जा रहे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैं ओम प्रकाश बोने बोल रहा हूँ, नागरिक पत्रकार। कहाँ से? हाँ बताओ सर, सुदर्शन न्यूज़। बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे आप, आपका क्या कहना है इस विषय पर? हाँ मेरा ये कहना है कि ये आईपीएल जो खेलों को है, खेलों की भावना से कम देखा जा रहा है और पैसों की अहमियत से ज्यादा इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरा ये मेरा मानना है कि ये आईपीएल जो खेल है, इससे राजनेताओं ने दूरी रहना चाहिए। बिल्कुल, मतलब शुद्ध रूप से जो खिलाड़ी है उन्होंने ही इसमें आप बोल रहे हैं कि राजनेता ने दूर रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बेचने वाले भी है। हाँ, और दूसरी बात है, इस टीम में ज्यादा से ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा धन्यवाद। ये थे हमारे एक नागरिक पत्रकार और जो अपनी बात कह रहे थे कि केवल खिलाड़ियों को देना चाहिए। एक एसएमएस सामने है जो बात मैंने अभी कही थी कि शराब बेचने वाले भी है। बेंगलोर से राजन, मिस्टर राजन ही लिखा है, राजन जॉर्ज का बेंगलोर से एसएमएस है कि विजय माल्या का लक्ष्य क्या हो सकता है? क्या दुनिया को शाकाहारी बनाना, क्या दुनिया को शराब छुड़वाना, क्या दुनिया ने क्लबों से दूर रहना? नहीं, माल्या का लक्ष्य केवल सारी दुनिया शराब पिए और पानी से भी ज़्यादा पिए, यही हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आईपीएल में और क्या करेगा? बेंगलोर से, जहाँ से विजय माल्या है, वहाँ से ये एसएमएस आया है। शायद लोग भी इस बात से सहमत होंगे। अगर आप भी सहमत है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बातें बताइए। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते, स्वागत है, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं मोदी नगर से बोल रहा हूँ, नीरज कौशिक। बोलिए नीरज जी। एक बात बताइए सर कि जो इंडिया प्रीमियर लीग चल रहा है ये, हाँ, तो ये ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें किसी जनता की सहभागिता हो या ना हो, केवल जो खरबपति आदमी है चंदिस देश के, वे कल कोई वैसा कोई नया प्रोग्राम ऐसा ले आए जिससे हमारी संस्कृति का ह्रास हो। कल को विदेशी वेश्याएं हैं जो हमारे इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम क्लियर गर्ल्स का नाम दे रहे हैं और पैसे लेकर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन ने अपनी अनुमति नहीं दी इन लोगों को बढ़ने के लिए, जापान, फ्रांस ने नहीं दी, जो ऐसे खुली संस्कृति के देश हैं। बिल्कुल। और भारत तो देव संस्कृति वाला देश है, यहाँ हिंदू संस्कृति इतनी प्रबल है, यहाँ के लोगों के अंतरात्मा इतनी शुद्ध है कि लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, मैच हमारे यहाँ मैच नहीं चलता आईपीएल का, टीवी बंद करा दिया बुजुर्गों ने चीयर गर्ल्स की वजह से।
बिल्कुल, हमारे बच्चों के एग्जाम थे, इस बात की किसी को परवाह नहीं है कि हमारा जो भविष्य है वो एग्जाम दे रहा है और उनके एग्जाम में व्यवधान पड़ रहा है, बच्चे बार बार टीवी की तरफ भागते हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ा नुकसान हमें, मतलब इस प्रबुद्ध वर्ग अगर इस विचार करे, इस गोष्ठी करे, देखे कि हमें तो खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, चंद लोगों को जरूर कुछ करोड़ का फायदा हो गया हो, लेकिन उस चीज का आकलन क्यों नहीं करता कोई भी चैनल और कोई भी टीवी, इस बात को क्यों नहीं दिखाते पत्रकार? बिल्कुल नीरज जी, सुदर्शन टीवी पहले दिन से आईपीएल के खिलाफ जो जो बोल रहा है, मुझे लगता है पिछले आईपीएल के विषय में आपने कॉल किया था, हमने जो बातें की थी वो सब साबित हो रही है, आप देश के सारे नेता आईपीएल के खिलाफ बोल रहे हैं सुरेश जी, लेकिन ये नेता केवल स्वार्थवश, चूंकि इन लोगों से चंदा लेना है, आम जनता से तो वोट खाली मिलनी है, इन्हें अपनी थैली भरनी है इन करोड़पति धन कुबेर से। लेकिन, लेकिन जो बातें हम कह रहे थे उसके साथ कोई ना कोई जरूर खड़ा हुआ है। जी जी जी, एक 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 ऐसे सत्य काम करिए और सुन लीजिए, षड्यंत्र है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहा ये देश, पता नहीं ये पत्रकार क्यों पेपर में क्यों नहीं छापते इसे बड़ा बड़ा करके। केवल सुदर्शन टीवी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि सारी देश के कार्यक्रम और सारी चीजों को सुदर्शन टीवी दिखाएगा बस, और जो जो वैसे कार्यक्रम है वो चैनल और चैनल लेंगे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो मैं तो इन लोगों से कहता हूँ, जो हजारों सैकड़ों चैनल हमारे यहाँ चल रहे हैं, कि कम से कम भाई, कम से कम देश के नाम पे ही 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए कोई कार्यक्रम लेके आओ, और इस आईपीएल जैसे आयोजन को अब तक बल चाहिए था। बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। धन्यवाद। तो लोगों ने कई चीजें, हमारे ये दर्शक थे, नियमित कॉलर है, इन्होंने बताया कि परीक्षाओं में व्यवधान आ रहा है, बच्चों के सामने गलत मैसेज भी जा रहा है। उर्मिला शर्मा दिल्ली से एसएमएस करती है कि जिस बच्चे के सामने परिवार चीयर गर्ल्स के साथ मैच देख रहा है, वो परिवार अपने बच्चे को डांस बार में मत जाओ कैसे कह सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। जिसके माँ बाप टीवी के सामने आईपीएल देख रहे हैं, वहाँ पर ही ऐसी लड़कियों को नाचते हुए देख रहे हैं, वो अपने बच्चे को, बच्ची को ऐसे बार में मत जाओ किस मुँह से कह सकते? बड़ा सवाल है। और हम, हमारी देश की एजेंसियाँ ऐसे आईपीएल को कितनी बड़ी टीआरपी मिल रही है ये बता रही है। करीब करीब आधा देश आईपीएल देखता है ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन एक हमारे दर्शक है, उन्होंने कहा कि आईपीएल के मैचेस के कारण हमारे घर में टीवी तक बंद है, मतलब इस देश में अभी भी इस चीज़ को स्वीकारा नहीं जा रहा है। एसएमएस को द्वारा हम देख रहे हैं कि लोग कैसे असहमति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आईपीएल बंद होना चाहिए, नंगा नाच बंद करो। उर्मिला शर्मा दिल्ली से दूसरा एसएमएस किया है। और एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखते हो क्या कहते हैं, बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते। नमस्ते, हाँ बोलिए आप। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोलिए। ये जो आपने ये जो उपस्थित किया है आज, हाँ नमस्ते, आप बोलते रहिए, आपके टीवी के आवाज पे मत जाइए। हाँ, ये जो प्रश्न उपस्थित किया है इसके बारे में आप, मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। कौन सा ही ऐसा चैनल नहीं है हिंदुस्तान में ऐसा प्रश्न उपस्थित करे, जरूरी। बिल्कुल, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है लग रहा है, आप नेटवर्क में नहीं। आपका नाम बताइए। पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, जापान में आईपीएल सामना क्यों नहीं भराया जाता? बिल्कुल, और हिंदुस्तान में ही ऐसे आईपीएल भराने की क्या मकसद है? क्योंकि आपके जेब, आपके देश के जनता के जेब से पैसा निकालना बहुत आसान है। धन्यवाद कॉल करने के लिए, धन्यवाद। यदि हमारे एक दर्शक और देश की जनता को सवाल पूछ रहे थे, सच है कि हमारे देश की जनता से, जनता की जेब से पैसे निकालना सबसे आसान है। शायद हम बहुत जल्दी बेवकूफ तो नहीं बनते, हमने सोचना चाहिए। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने के पहले चलते हैं एसएमएस की स्थिति क्या है देखने के लिए। वंदना जी, सुरेश जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 84% लोग अभी भी ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ आईपीएल पर बैन लगना चाहिए, जबकि 16% लोग अभी भी इसके विरोध में खड़े हैं। 84%, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है? क्या ये पैसे बनाने का एक ऐसा जुगाड़ है जिसके सामने देश, खेल, सभ्यता, संस्कृति कुछ भी नहीं है?